देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खुफिया एजेंसियों की सक्रियता के चलते आतंकी संगठन महिलाओं का सहारा ले रहा है। सुरक्षा चक्र तोड़ने के लिए यूपी और दिल्ली में 22 महिला आतंकी उतारी गई हैं। ये महिला आतंकी न सिर्फ विस्फोटक ले जाने में सक्षम हैं, बल्कि उन्हें हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण प्राप्त है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इन महिला आतंकियों को मिशन के संबंध में मोबाइल पर बात करने की सख्त मनाही है। अभी तक 6 महिलाओं को चिन्हित किया जा चुका है। इनके वेस्ट यूपी के जिले में शरण लेने की सूचना है। बसपा सुप्रीमो मायावती सपा के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में पूरी तरह से जुटने जा रही हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो सोमवार की शाम उनके लखनऊ आने की संभावनाएं हैं। इसके अगले दिन वो पार्टी के जोनल प्रभारियों व संगठन के महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक करेंगी। मायावती ने 15 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाने के बाद उसी दिन शाम दिल्ली चली गई थी। उन्होंने इस दौरान दिल्ली में देश के अन्य राज्य के कई नेताओं से अलग अलग मुलाकातें की। लोकसभा चुनाव से पहले वो अन्य राज्यों में भी गठबंधन की संभावनाओं को टटोल रही हैं। चर्चित सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी आल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यूपी इकाई ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने की कमर कस ली है। रविवार को यहां प्रदेश कार्यालय पर हुई बैठक में इस बाबत सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव में ओवैसी को यूपी की किसी एक लोकसभा सीट से मैदान में उतारे जाने की मंशा भी जताई गई है। चुनावी वर्ष में सरकार ने बुजुर्गों को पेंशन की आखिरी किस्त समय से पहले देने का फैसला किया है। इससे पहले 42 लाख बुजुर्गों को इसी महीने पेंशन की अंतिम किस्त का भुगतान मिल जाएगा। इस संबंध में कोषागार को निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 साल या इससे ऊपर महिला व पुरुषों के लिए 400 रुपये की दर से पेंशन देती है। 80 साल या उससे ऊपर ये राशि बढ़कर 500 रुपये प्रतिमाह हो जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में किसान पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर बैठे किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। गन्ना किसानों की मांग है कि पिछले साल के गन्ने की फसल के 80 करोड़ रुपए और इस साल की राशि का भुगतान किया जाए। किसानों ने भुगतान राशि नहीं मिलने पर बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने की भी बात कही है। प्रयागराज में संगम की रेती पर बसे आस्था के कुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार को 1200 अरब रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ ने ये अनुमान लगाया है कि CII की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले कुंभ मेला हालांकि धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, मगर इसके आयोजन से जुड़े कार्यों में 6 लाख से ज़्यादा कामगारों को रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। हल्ला और शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।